यूपी के बरेली में शनिवार दिन दहाड़े कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी का कार सवार बदमाशों ने अपहरण का प्रयास किया। यह सनसनीखेज घटना शहर के सबसे व्यस्ततम चौकी चौराहे पर हुई। शोर शराबे के बीच जब भीड़ जुटने लगी तो बदमाश वहां से फरार हो गए। बहरहाल फरहत नकवी ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी है। आइए देखते हैं फरहत ने घटना के बारे में क्या बताया। तो मुझे एकदम से गाली दे दिया, मुझसे बोला कि तू बहुत कूद रही है और तेरा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा, वो हाल कर देंगे। बस इतने लफ्ज बोले तो मैं एकदम चिल्लाने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे और भी महिलाएं थी, तो जैसे ही मैं चिल्लाई तो एकदम मैं घबरा गया। घबरा के दो तीन लोग अंदर बैठे थे और एकदम गाड़ी का शीशा उतारा चढ़ाया, मैं एकदम पीछे हुई, गाड़ी का शीशा चढ़ा के वो इधर साइड में बहुत तेज गाड़ी लेके निकल क्या तहरीर दे दी आपने? कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।